हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ जॉर्ज संतोष। आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 2 जिसका नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनवत राय था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी ही नहीं समग्र भारतीय साहित्य के व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, कायाकल्प इत्यादि हैं। इन्होंने मानसरोवर के 8 भागों में 300 से भी अधिक कहानियां लिखी। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यहाँ पर एक कहानी है जिसका नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, जिसमें से एक का नाम है मुंशी बंसीधर। मुंशी बंसीधर एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे और दूसरे पात्र हैं पंडित आलोकीदीन। पंडित आलोकीदीन एक बड़े ही जमींदार थे और बड़े ही अमीर व्यक्ति थे। वे अपने धन के प्रलोभन पर या अपने धन के बल पर सभी को अपने काबू में रखते थे। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, 2 पात्र हैं, उनके बीच की ये कहानी है। मुंशी बंसीधर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, परंतु उन्हें कहीं पर भी अभी तक कोई भी पद प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन बड़े ही शुभ घड़ी में घर से निकले और पता चला कि उन्हें नमक विभाग का दारोगा पद मिल गया है। यह सुनकर उनके वृद्ध पिताजी बड़े ही खुश हुए और वे अपने बेटे को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो वेतन है वो मनुष्य द्वारा दिया जाता है और जो ऊपरी आमदनी है वो ईश्वर द्वारा मिलती है। तो आपको जो है वेतन के साथ साथ ऊपरी आय का भी सोचना है, क्योंकि मैं तो कगार पर का वृक्ष हो चुका हूँ, मीन्स मृत्यु के बहुत निकट आ चुका हूँ, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो किस तरह से आपको घर चलाना है, इसलिए वो अपने बेटे को समझाने लगे। तो मुंशी बंसीधर बड़े ही ईमानदार थे। ईमानदार होने के साथ साथ वो बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र थे। तो 6 महीने हो गए उन्होंने अपना पद संभाला और सभी जो है उनके बताए अनुसार कार्य करने लगे। एक दिन रात का समय था, मुंशी बंसीधर यमुना नदी के उस पार अपने कमरे में सोए हुए थे और उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वे नींद से उठकर बैठ गए और बाहर निकले। बाहर निकले और अपना घोड़ा लेकर वे पुल के उस पार गए। पुल के उस पार जाने के बाद उन्होंने देखा कि काफी गाड़ियां थी जो कतार में खड़ी हुई थी। उन्होंने गाड़ी चालक से पूछा कि ये गाड़ियां कहाँ से आई हैं और किसकी गाड़ियां हैं और इनके अंदर क्या सामान भरा हुआ है। तो किसी भी गाड़ी चालक ने उनका उत्तर नहीं दिया। उत्तर न सुनने के बाद या उनको खामोश देखकर उनके अंदर जो है और भी ज्यादा शक पैदा हो गया और उन्होंने स्वयं जो है गाड़ियों में भरे हुए सामान को हाथ लगाकर देखा। उन्होंने देखा कि गाड़ियों में नमक के ठेले भरे हुए थे। उन्होंने गाड़ी चालक को कहा कि जिसकी गाड़ियां हैं आप उन्हें बुलाइए, तभी जो है गाड़ी चलाने वाला या पंडित आलोकीदीन के व्यक्ति पंडित आलोकीदीन को बुलाने के लिए जाते हैं। पंडित आलोकीदीन पुल पर आते हैं और वे मुंशी बंसीधर को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने की कोशिश करते हैं, परंतु मुंशी बंसीधर एक ईमानदार व्यक्ति थे, वे उनकी किसी भी तरह की बातों में नहीं आते हैं। पंडित आलोकीदीन उन्हें पैसे देने की रिश्वत के बात करते हैं, पहले 25,000 रूपए, फिर 30,000 रूपए और अंत में जो है वे 40,000 का प्रलोभन उन्हें देते हैं। परंतु मुंशी बंसीधर ने कहा कि आप मुझे 40,000 दो, क्या 40,00,000 रूपए दो तो भी मैं आपकी बात मानने के लिए
तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपने सिपाही बद्रू सिंह को कहा कि आप जो है पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में ले लीजिए। तो इस तरह से पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अगले ही दिन अदालत में पेश किया गया। परंतु पंडित अलाउद्दीन के साथ बड़े से बड़े कर्मचारी और अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक सभी जो है उनके साथ रहते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्होंने धन के बल पर सभी को अपने काबू में करके रखा था। मुंशी बंसीधर के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह पंडित अलाउद्दीन के खिलाफ दे सके। तो इस तरह से अदालत में आने के बाद फैसला यह हुआ कि पंडित अलाउद्दीन बेकसूर हैं, यानी कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मुंशी प्रेमचंद मुंशी बंसीधर द्वारा लगाया गया जो इल्जाम है वो झूठा है। तो इस तरह से पंडित अलाउद्दीन को रिहा कर दिया जाता है और बंसीधर को उनके पद से उतार दिया जाता है। पंडित अलाउद्दीन जो है बड़े खुश होते हैं और वे वापस वहां से आ जाते हैं और मुंशी बंसीधर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उनके वृद्ध पिता उन्हें देखते हैं तो उन्हें देखकर क्रोधित होते हैं। वे कहते हैं कि मैंने आपको बहुत समझाया था परंतु आपको मेरी बात समझ नहीं आई। कुछ समय के बाद पंडित अलाउद्दीन मुंशी बंसीधर के घर चले जाते हैं। मुंशी बंसीधर के घर जाने के बाद जो है उनके पिता बड़े खुश होते हैं और उनसे मांगते हैं कि मेरे बेटे ने आपके साथ जो किया है मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तब जो है पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, आपके बेटे ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। अब जो है पंडित अलाउद्दीन की मुलाकात बंसीधर से होती है और वो बंसीधर को कहते हैं कि मैं जो आपको कहता हूँ आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तब वो मानने से इनकार कर देते हैं। पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि मैं आपके साथ एक स्टैम्प पेपर लेकर आया हूँ और उस पर आपको अपनी साइन करनी है। तब बंसीधर कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज के योग्य नहीं हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सही न्याय करने वाला नहीं हूँ। तो उनकी बात सुनकर पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है जैसा आप अपने आप को मुझे बताते हो। तभी जो है पंडित अलाउद्दीन उनके वो स्टैम्प पेपर दे देते हैं और बंसीधर की साइन वहां पर ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर आपको बनाना है। और इस तरह से पंडित अलाउद्दीन उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देते हैं और उनके लिए बंगला गाड़ी सभी चीजें जो है मुफ्त में देते हैं और उन्हें फिर से जो है उनका जो नमक विभाग का पद था वो फिर से उन्हें वापस मिल जाता है। तो इस तरह से इस कहानी में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पर अपनी नियुक्ति करता है तो उन्हें अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करना चाहिए, बड़ी ही कर्तव्य निष्ठता से करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य में कहीं पर भी बेईमानी करेंगे तो कहीं न कहीं उसका अंजाम बुरा होता है। तो हमेशा हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से करनी चाहिए। तो अब जो है इस कहानी से संबंधित यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, चलिए अब हम देखते हैं मुहावरे। को बारह होना सब तरफ से लाभ होना। तो मुंशी बंसीधर जब नमक विभाग के दरोगा पद पर पहुंचे तब जो है खुशी के मारे उनके को बारह हो गए थे। कगार पर का वृक्ष होना, मृत्यु के निकट होना। मुंशी बंसीधर के पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि ऊपरी आमदनी के बिना जो है काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो कगार पर का वृक्ष हो चुका हूँ, तो वेतन के साथ साथ आपको ऊपरी आमदनी के बारे में भी सोचना है। फूला नए समाना, बहुत प्रसन्न होना। जब वृद्ध मुंशी बंसीधर के पिता को पता चला कि मेरे बेटे को नमक का दरोगा पद प्राप्त हुआ है तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा या वे फूले न समाये।
कोड़ियों पर ईमान बेचना थोड़े पैसों में बिकना। जब पंडित आलोकी दीन मुंशी बंसीधर को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे थे, तब जो है बंसीधर ने कहा कि मैं कोड़ियों के भाव अपने ईमान को नहीं बेचता। मिट्टी में मिल जाना बर्बाद हो जाना। तो यहाँ कहा गया है कि मुंशी बंसीधर को पंडित आलोकी दीन ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, या उनके सही न्याय को उसने अन्याय में बदल दिया था। तो इस कहानी के द्वारा आपको यही सीख मिलती है कि कोई भी हम पद पर अपनी नियुक्ति करते हैं, हमें अपना कार्य बड़े ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए। तो इस कहानी को आप सबसे पहले अच्छी तरह से सुन लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, और इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी और आपको वो वर्कशीट सॉल्व करनी है।